नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट से इस शिक्षा नीति को पास किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति का विश्लेषण करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षा मित्रों के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ साथ हम बाल वाटिका के बारे में जानेंगे। नई शिक्षा नीति में बाल वाटिका के बारे में दिया गया है। क्या 6 माह के प्रशिक्षण के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षा मित्रों को उनमें स्थायी किया जाएगा? तो चलिए जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। साथियों, नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों के लिए क्या प्रावधान है। आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें आपको पूरी डिटेल्स दी गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और सीखने की नींव, इस तरह की पूरी डिटेल्स आपकी दी हुई है। लगभग 66 इतने पेज इसमें दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं नई शिक्षा नीति में हमारे शिक्षा मित्र साथियों के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। इसमें हम सीधे ऊपर चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में पेज नंबर, इसमें पूरी डिटेल्स दी हैं। आप चाहें तो इसके ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं। मैं केवल इसमें आज की वीडियो में शिक्षा मित्र साथियों के बारे में जानने की कोशिश करूंगा कि शिक्षा मित्रों के बारे में इसमें क्या दिया हुआ है। जो नई शिक्षा नीति है उसमें 5+3+4 की व्यवस्था दी गई है, ये सब आप देखिए। इसके बाद हम इसके पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा यानी सीखने की नींव, इसी में आप कोशिश करेंगे तो आपको शिक्षा मित्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में मिल जाएगा। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो जाता है, इस तरह से इसमें बच्चों के बारे में दिया गया है। उसके बाद इसके हम पैराग्राफ नंबर 1.3 पर आ जाते हैं। यहीं से हमारी काम की बात हमें पता चलेगी। NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCPFECCE विकसित किया जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या है? 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा होगी इसे 2 भागों में बांटा गया, 0 से 3 साल के बच्चों के लिए और 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ECC राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए समृद्ध है और स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई हैं। तो इसमें दिया हुआ है, अब यहाँ देखिए 1.4 पे आ जाइए। भारत में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाली ECC संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना वृहद लक्ष्य होगा। इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी छात्रों तक पहुंचाना होगा। पिछड़े जिलों और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अब बात आती है विस्तृत और सशक्त ECC संस्थानों द्वारा ECC प्रणाली को लागू किया जाएगा। अब यहाँ से आपकी काम की बात आती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षा मित्रों के बारे में। इसमें दिया है पहले से काफ़ी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से, यानी कि जो शिक्षा दी जाएगी आंगनबाड़ियों के माध्यम से दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम से, यानी कि जो विद्यालय प्राथमिक विद्यालयों के अंदर है उनके माध्यम से। और तीसरा है गैस में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित है, इनके माध्यम से। और घ है अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये सभी विद्यालय ECC के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों या शिक्षकों को भर्ती करेंगे,
या यही आपके काम की बात है इसमें कि ECC के पाठ्यक्रम शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों और शिक्षकों को भर्ती करेंगे, यानी इसमें दिया हुआ है कि इन जो आपके प्राथमिक से कक्षा 2 से पहले जो चलेंगी आपकी 5 क्लास यानी प्री प्राइमरी और जो है 1 और 2, उनके लिए प्रशिक्षित कर्मचारी और शिक्षकों को भर्ती करेंगे। चलो आगे जानने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। अब देखिए, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के लिए सशक्त बनाया जाएगा, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जो जूनियर हाई स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उनका तो डिमोशन नहीं होगा, वे तो जूनियर हाई स्कूल में ही पढ़ाएंगे, और जो प्राथमिक में सहायक अध्यापक है उनका भी डिमोशन आप नहीं कर सकते, उनको भी वो अपने स्कूल में ही पढ़ाएंगे। तो ये जो इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक लिख रहा है, ये शिक्षक से मतलब हमारे शिक्षा मित्र साथियों से है जो पढ़ा रहे हैं, प्रशिक्षित है, उनको यहाँ पर समायोजित करने की बात की गई है। क्लियर नहीं लिखा है लेकिन संभावना है कि क्योंकि जूनियर के टीचर्स और प्राइमरी के सहायक अध्यापकों को छोड़कर बाकी जो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं शिक्षक, वे हमारे बचते हैं केवल शिक्षा मित्र। तो ये यहाँ पर जिक्र जो किया है शिक्षा मित्रों का किया गया। आगे देखिए, प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधियां पर्यटन करेंगे, अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संकरण को सुचारू बनाया जा सके। अब इसी में यह परिकल्पना की गई है, आप देखिए इसमें पॉइंट 1.6 देखिए, यह परिकल्पना की गई 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका जो कक्षा 1 से पहले है में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसमें एक ECC योग्य शिक्षक है। इसमें भी दिया हुआ है कि बाल वाटिका में स्थानांतरित किया जाएगा बच्चा, और उसमें क्या होगा, ECC योग्य शिक्षक। अब यो ECC योग्य शिक्षक कौन होगा, ये ECC योग्य शिक्षक जो होगा वो आपका शिक्षा मित्र या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही होंगी तैयारी कक्षा में सीखने के लिए। इसके साथ साथ पॉइंट 1.67 पर देखिए, ECC शिक्षकों के शुरुआती कैडर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के, मतलब कि ECC शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों / शिक्षकों। अब यही बात आ जाती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपको पता है, / जो शिक्षकों लिखा हुआ है ये उन शिक्षकों की बात की जा रही है जो आपके अभी सहायक अध्यापक नहीं है, क्योंकि जो सहायक अध्यापक बन गया उनका डिमोशन नहीं किया जा सकता, चाहे वे जूनियर में है चाहे सहायक प्राइमरी में है। अब ये शिक्षा मित्रों की बात है, को NCET द्वारा विकसित पाठ्यक्रम या शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी जो आपके शिक्षा मित्र साथी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण 6 माह का दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / शिक्षक को, अब ये वो कौन शिक्षक है, ये शिक्षक वही हैं जो अभी तक स्थायी नहीं हो पाए हैं, शिक्षा मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं, ECC में 6 महीने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, और कम शैक्षणिक योग्यता वाले रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। यानी जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उन्हें 6 महीने का, और जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम है उन्हें केवल, जो 12th ही है केवल, उन्हें डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा, जिससे प्रारंभिक साक्षरता संख्या और ECC के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल या दूरस्थ माध्यम से DTH चैनलों के साथ साथ स्मार्टफोन के माध्यम से भी चलाया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ, यानी कि शिक्षक पढ़ाते भी रहेंगे और उसके साथ साथ उनका प्रशिक्षण भी होता रहेगा, इस साथ ECE योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं / शिक्षकों के ECE प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा भी चलाएगा।
तो साथियों, शिक्षा मित्र साथियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इसमें प्रावधान दिया गया, स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन संभावना है कि ये शिक्षा मित्र साथियों की ही बात की जा रही है, उनको ही परमानेंट करने का प्रावधान होगा। उनको जो आपका टेट पास करने के बाद आपके सहायक अध्यापक नहीं बन पा रहे हैं, उनकी यहाँ पर बात की गई है। तो स्पष्ट है साथियों, इसी तरह की और वीडियो मैं इसका और विश्लेषण करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने सभी शिक्षा मित्र साथियों या अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।